PNG आखिर ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल है यार, बताता हूँ। सबसे पहले आपने पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है एंड प्लस वाले आइकॉन पे टैप करके सिंपल आपको जाना है एडिट ऑफ फोटो में। और देखो यार, यहाँ पर एक ना बैकग्राउंड होता है जो कि इम्प्टी बैकग्राउंड होता है एंड सिंपल इस पर टैप करना है आपको और इस पर टैप कर देना है और आपका इम्प्टी बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो भी आप ऐड करोगे ना वो एक PNG फॉर्मेट में होगा। तो ऐड करने के लिए अपन जाएंगे स्टिकर में एंड जो पिक्सआर्ट में स्टिकर का फीचर्स है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। यहाँ पर जो तुम सर्च करोगे ना ऑलमोस्ट हर एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगा, वो भी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने इम्प्टी बैकग्राउंड चूज़ करा है, इसके ऊपर जो भी मैं स्टिकर ऐड करूँगा और सेव करूँगा वो एक PNG फॉर्मेट में होगा। PNG फॉर्मेट आखिर होता क्या, मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक तरह से बोलूँ तो ये फास्ट काम करने का एक तरीका है। अब मानो कोई तुम फोटो एडिट करो, ठीक, अब तुम्हें कोई PNG वगैरह ऐड करना है, उस टाइम अगर PNG में अगर बैकग्राउंड होगा तो वो बैकग्राउंड इरेज करो, फिर उसके बाद तुम PNG ऐड करो, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। इसी वास्ते PNG का फॉर्मेट पहले से बैकग्राउंड उस पर नहीं होता है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। वहाँ पे उसको जहाँ तुम ले जा, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जहाँ ले जाना चाहो, जहाँ चिपकाना चाहो चिपका सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। देखो ये एक डॉल है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, तो इसको सिंपल अपन कटआउट टूल से हटा देंगे बैकग्राउंड को। तो अपन के कटआउट में एंड पर्सन पर टैप करते हैं, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा जो भी डॉल है उसको। और देखो यार, यहाँ पे थोड़ा हार्डनेस स्प्रेड होता है, तो इसको हार्डनेस इंक्रीज़ करके थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ता है। ये सब साइड साइड से जो भी एजेस पार्ट है वहाँ पे थोड़ा हार्डनेस इंक्रीज़ करके थोड़ा सा ये कर देना, मतलब एकदम शार्प दिखे तुम्हारा एजेस। और उसके बाद सिंपल टिक कर देना, तो ऑटोमेटिक मतलब कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब ये जो है ना, जो डॉल है ये PNG फॉर्मेट है। वेल, मैं आपको बता दूँ इसके बाद पिक्सआर्ट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। उस वीडियो मैंने ये बता रखा, जितने भी टूल्स हैं ना पिक्सआर्ट्स के सभी को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन से टूल्स का क्या काम है, एक एक टूल्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा उसमें। मतलब कि वो वीडियो 1 आवर का हो जाएगा, समझ रहे हो, इतना बड़ा वो वीडियो है। तो अभी पूरा नहीं बना है, बहुत जल्द उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, बहुत जल्द वो वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना। अगर उस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप एडिटिंग में प्रो बन जाओगे। ओके, सो एक वेबसाइट है रिमूव भेजी, यहाँ से आप PNG बना सकते हो। एक और एप्लीकेशन है फोटो रूम, यहाँ से भी आप PNG बना सकते हो बहुत ही ईजी वे में। सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो या फिर राइट वाले वीडियो पर एंड देख लो। शिव सुन।